डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ट्रावर्सिंग इन अ लिंक लिस्ट। ट्रावर्सिंग का बेसिकली फंडा क्या होता है कि हमें लिंक लिस्ट गिवन है, उस लिंक लिस्ट में हमें मूव करना है। मूव करना क्यों है भैया? जब लिंक लिस्ट बन गई, डेटा आपका आपके पास है, तो मूव क्यों करना है? सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर मेरे पास एक लिंक लिस्ट है और मुझे उस लिंक लिस्ट का लास्ट नोड डिलीट करना है, या लेट से अगर मुझे उस लिंक लिस्ट में लास्ट में एक नया नोड, न्यू नोड को ऐड करना है, तो ये सारे केसेस, और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताया है। तो इन केसेस में आपको क्या करना पड़ता है? लिंक लिस्ट में ट्रावर्स करना पड़ता है, मतलब आगे पीछे मूव करना पड़ता है। अब यहां पर कैसे मूव करते हैं, ट्रावर्स कैसे करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है। पहले कॉन्सेप्ट देख लो, फिर हम इसको जो इसकी एग्जीक्यूशन है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है लिंक लिस्ट हमने इस तरीके से बनाई है। अब लिंक लिस्ट में ऑब्वियसली यहां पे मेरे को सबसे पहली चीज क्या लेनी पड़ती है? हेड। हेड के बारे में आपने देखो, पाइथन में मैं फिर वही बात बोल रहा हूं कि यार कॉन्सेप्ट वही है, लैंग्वेज नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट मतलब जो C++ में भी हम बात करते हैं। तो हेड क्या होता है? वहां पे एक पॉइंटर होता है, एक पॉइंटर वेरिएबल होता है, स्ट्रक्ट नोड स्टार करके हम लोग जो है वो इसको यूज करते हैं। और ये क्या करता है, ये पॉइंटर वेरिएबल पहली नोड को, जो पहली नोड है उसको पॉइंट करता है, मतलब पहली नोड का जो एड्रेस है उसको पॉइंट कर रहा है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर भी हमें ये हेड को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हेड की हेल्प से, यहां पे हेड क्या हो गया पाइथन में? एक रेफरेंस हो गया, क्योंकि पाइथन में हमें पॉइंटर ये सब चीजें जुड़ती नहीं है, हमें पता है डायनेमिकली टाइप्ड है, जो डेटा हम देंगे उस हिसाब से ये उसको कन्वर्ट कर देता। तो यहां पे हमने इसको रेफरेंस दिया, इसको हमने क्या दिया? पहली नोड का रेफरेंस एड्रेस दिया, तो ये एज ए रेफरेंस वेरिएबल की तरह वर्क करेगा। अब यहां पे रेफरेंस है हेड, जो पहली नोड को रेफर कर रहा है। अब देखो यहां पे, अब हेड को हम आगे आगे मूव कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है हेड डॉट नेक्स्ट करोगे, हेड डॉट नेक्स्ट का नेक्स्ट करोगे, हेड डॉट नेक्स्ट का नेक्स्ट करते रहोगे, तो ये आगे आगे मूव करता रहेगा। लेकिन अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपने हेड को आगे मूव कर दिया तो इसको वापस नहीं लेके आया जा सकता, मतलब ये आगे चला जाएगा। और हेड हमेशा क्या होता है? हेड इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। लेकिन अगर मैंने हेड डॉट नेक्स्ट कर दिया यहां पे, हेड डॉट नेक्स्ट कर दिया यहां पे, तो यार ये तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो इसलिए हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं कि हम एक पॉइंटर कह लो या हम एक क्या कह सकते हैं वेरिएबल, और उसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं हेड। हेड मतलब हेड किसको पॉइंट कर रहा है? इसको, मतलब इसका रेफरेंस क्या है? हजार। तो हम ये जो हजार वैल्यू है ये किसी करंट पॉइंटर में या करंट के वेरिएबल में हम इसको डाल देते हैं। तो अब क्या हो गया, करंट जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है। अब आप क्या करोगे, करंट को आगे आगे मूव करते रहो रादर देन हेड को। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए कभी भी हम जनरल प्रैक्टिस में ये कभी भी नहीं करते कि हेड को आगे के मूव करो। हम हेड का जो एड्रेस है वो करंट या किसी भी वेरिएबल में डाल के, किसी भी पॉइंटर में डाल के हम उस पॉइंटर को आगे आगे मूव करते हैं। बस ये ट्रावर्सिंग का सिंपल सा फंडा। और कब तक ट्रावर्स करेंगे? लेट्स से अगर मुझे लास्ट तक जाना है तो जब तक उसके नेक्स्ट में नन नहीं आ जाता। तो अब इसी चीज को मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं कि कैसे हम ट्रावर्स करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है यहां पे, ये देखो हमारे पास यहां पे एक सिंपल सा, मैं कोड से आपको बताता हूं। मैंने ऑलरेडी जो है वो कोड पाइथन का पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं और उसको प्रिंट करते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन हमें एक सिंपल से तरीके से समझना है। तो यहां पे हमने क्लास नोड, उसके अंदर हमें पता है कि यार हरेक जो जितने भी मेरे लिंक लिस्ट के अंदर नोड होती है, उस नोड में दो चीजें होती हैं, एक डेटा और एक क्या होता है रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड। तो वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। नेक्स्ट में हमने फिलहाल अभी नन डाला हुआ है, डेटा जो है वो यूजर से ले लेंगे। अब आपको पता है कि जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि नोड वन के नेक्स्ट में हमने नोड टू का एड्रेस डाल दिया, नोड टू के नेक्स्ट में नोड थ्री का डाल दिया, नोड थ्री के नेक्स्ट में नोड फोर का डाल दिया, तो एक लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब यहां पे क्या करना है, बस यही पॉइंट याद रखना कि जो नोड वन है, जो पहली नोड है, उसका एड्रेस हमने किसमें डाल दिया, हेड में डाल दिया। तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है? फर्स्ट, बिगनिंग को पॉइंट कर रहा है। तो बिगनिंग को पॉइंट कर रहा है। अब हेड की वैल्यू हमने किसी करंट में डाल दी। करंट क्या है? अगेन क्या है, एक तरह से वेरिएबल कह लो या पॉइंटर कह लो, रेफरेंस कह लो, वो पहली नोड को पॉइंट कर रहा है, यानी हेड भी पहली नोड को, करंट भी। लेकिन अब हम करंट को आगे आगे मूव कर सकते हैं। व्हाइल करंट इज नॉट नन, ऑब्वियसली करंट जब तक उसको नन नहीं मिलता वो आगे आगे मूव करता रहेगा। तो प्रिंट करंट का डेटा, लास्ट में ये आ गया, तो फिर उसके बाद करंट को आगे इंक्रीमेंट कर दिया, नेक्स्ट पे ले गए, तो जब तक नन नहीं आता तब तक वो आगे आगे ट्रावर्स करता रहेगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ट्रावर्सिंग का।
नोट कर लो ये कोड, कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यूज में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कहीं पे भी अगर आपको आता है तो आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, अब आपको ट्रावर्सिंग का फंडा पता लग गया, बिगनिंग में, लास्ट में कैसे इंसर्ट करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यूज वगैरह में, वो एक एक करके हम इसको देखेंगे। थैंक यू।